नमस्कार दोस्तों एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में डायरेक्ट मेथड जो वर्किंग हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की है उसका मैथमेटिकल प्रूफ आपके सामने रखेंगे तो ये जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है इसका एक्सप्रेशन हम पिछले वीडियो से निकाल चुके हैं इसके बाद हम आगे इसको ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है दिस इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू पाई एल इन टू यहाँ से सी नोट अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये सी नोट कॉमन लिया यहाँ बचा बेटा वन माइनस के एम ऑफ़ टी डिवाइडेड बाय सी नोट के आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है एम ऑफ़ टी आपका मैसेज सिग्नल है राइट right? अब इसके बाद हम क्या करेंगे एल इंटू सी नॉट अंडर दी रूट टर्म्स को बाहर लिख लेंगे तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन बनेगा दिस इज इक्वल टू टू पाई अंडर द रूट एल इंटू सी नॉट राइट इसी के साथ फिर हम आगे लिखेंगे अंडर द रूट वन माइनस के एम of टी डिवाइडेड by सी not राइट अब यहाँ पे ये तो हमें समझ आ चुका है कि वन अपॉन टू पाई इंटू अंडर द रूट एल इंटू सी नॉट ये तो हमारा एफ सी होता है तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू एफ सी और इसको अगर हम नोमिनेटर्स में लेके जाएँ तो ये मिल जाएगा हमें वन माइनस के एम ऑफ़ टी डिवाइडेड बाय सी नोट इसकी पावर वन बाय टू राइट अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या बोलेंगे ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो वैल्यू के इन टू एम ओफ टी डिवाइडेड बाय सी नोट है अगर ये वैल्यू वन से बहुत छोटी है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं तो वो क्या होगा यूज़ बाइनोमियल एक्सप्रेशन तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये कहता है माइनस दिस टर्म मल्टीप्लाई विद पावर तो ये एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट आपका बराबर होगा तो ये होगा इज इक्वल टू एफ सी इन टू वन माइनस यहां पे है बट पावर फैक्टर माइनस वन बाई टू है इसके साथ ये टर्म्स मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस साइन हो जाएगा और यहां टू से हम मल्टीप्लाई कर वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज के एम ऑफ़ टी डिवाइडेड बाय टू इंटू सी नोट ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे आ चुका है अब इसके बाद एफ सी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू एफ सी प्लस के इंटू एफ सी एम टी डिवाइडेड बाई टू इंटू सी नोट एक्सप्रेशन यहां आ चुका है अब आप क्या करेंगे टू पाई से कंप्लीट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लिखेंगे मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद टू पाई तो जब हम टू पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा टू पाई इन टू एफ ऑफ इन ये हमारा ओमेगा इन हो जाएगा टू पाई एफ सी ओमेगा सी हो जाएगा और यहाँ टू पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पेस को हम मैनेज कर लेते हैं यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा ओमेगा इन इज़ इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के एफ सी टू पाई इनटू एम ऑफ़ टी डिवाइडेड बाई टू इंटू सी नोट ये वैल्यू आ चुकी है अब हम आगे क्या करेंगे हमें पता है इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हमें पता है कि थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा इन टू टी होता है जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी एंड इट बिकम्स इक्वल टू ओमेगा तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ लिखूँगा और <coughs> अगर मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहूँ यहाँ से तो क्या होगा तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो ये अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास थीटा जो आएगा वो होगा इंटीग्रेशन ओमेगा इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जो ओमेगा इन यहाँ है अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे राइट यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू Time. जब इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा इन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करोगे तो थीटा बचेगा तो यहाँ पे आपका थीटा आ जाएगा और वो यहाँ ओमेगा सी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा ओमेगा सी इंटू टी प्लस यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे लिख लीजिए तो ये बन जाएगा आपका टू पाई के एफ सी डिवाइडेड बाई टू c नाट राइट एंड इंटीग्रेशन m ऑफ t इंटू dt ये वैल्यू आ चुकी है अब इसके बाद टू पाई आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ के इंटू एफ सी अपॉन टू इंटू सी नॉट इसको मैं लिखूँगा के डैश ऑफ एफ तो ये मिल गया मेरे को थीटा इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू टी प्लस टू पाई के एफ़ डैश जो कि सेंसिटिविटी कॉन्स्टेंट होता है एंड मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेशन ऑफ एम ओफ टी एंड डी टी ये वैल्यू आ चुकी है और जो आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एफ एम सिग्नल का वो लिखा जाता है एस ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए कोस थीटा थीटा वैल्यू यहाँ आ चुकी है तो अब इसमें पुट कर सकते हैं तो दिस इज़ एस ऑफ टी दिस इज़ इक्वल टू ए कोस थीटा वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए ओमेगा सी इंटू टी प्लस टू पाई के एफ डैस इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ़ टी एंड डी टी ये आपका फाइनल इक्वेशन आया है विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड एफ एम जनरेशन और ये डेफिनेटली एक जो जर्नल इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी मोडुलेटेड सिग्नल्स की उसके बिल्कुल सेम है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं राइट right? और एक चीज यहाँ ध्यान रखें कि जो आपका सेंसिटिविटी फैक्टर है दैट इज के एफ डैश दिस इज यहाँ पे हमने क्या लिया है उसको दिस इज के एफ सी डिवाइडेड बाय टू इंटू सी नॉट तो कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें जो आउटपुट इक्वेशंस है वो आपकी एफ़ एम जनरेटेड सिग्नल्स जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है वैसी ही आती है उसका प्रूफ आपसे पूछ लिया जाता है तो यहाँ हर बाई स्टेप बाई स्टेप सिक्वेंशियल इक्वेशंस की हेल्प से मैंने ये आपके सामने प्रूफ रखा है आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो से हम इनडायरेक्ट मेथड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करेंगे दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच for watching this video.